दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने बताया था कि मयंक सिंह जो मुंबई कस्टम्स का एक ऑफिसर है उसने सीबीआई की रेड के बाद सुसाइड कर लिया है। आज ये समाचार न्यूज में भी आ गया, मुंबई के न्यूज़पेपर में भी आ गया और हर जगह आ गया है कि तलोजा जेल के पास जो एक तालाब है उसमें मयंक सिंह ने कूदकर अपनी जान दे दी है। मयंक सिंह ने सुसाइड नोट में लिखा है कि उसने जो कंसाइनमेंट बिना रिडेम्पशन फाइन और पेनाल्टी को रिकवर किए हुए किया था वो एडिशनल कमिश्नर के प्रेशर पे किया था। एडिशनल कमिश्नर कौन है इसके बारे में पेपर ने तो नहीं लिखा, लेकिन चूंकि मैंने डिपार्टमेंट में करीब 25 साल काम किया है और मेरे अपने कुछ सोर्सेस हैं उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि उस एडिशनल कमिश्नर का नाम क्या है या उस सुप्रीम का काम क्या है। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं आपको वो न्यूज दिखा देता हूं कि न्यूज में क्या लिखा गया, फिर आगे बात करते हैं। ये न्यूज का टाइटल है मुंबई न्यूज सीनियर कस्टम ऑफिसर एलर्जी डाइज बाय सुसाइड नियर तलोजा जेल इन खरगर। फ्रेश प्रेस जनरल हो या कोई भी अखबार हो या किसी को भी सीनियर ऑफिसर बोल देते हैं, जबकि सीनियर ऑफिसर्स क्या होते हैं जो कमिश्नर लेवल के, एडिशनल कमिश्नर लेवल के, ज्वाइंट कमिश्नर लेवल के, डिप्टी कमिश्नर लेवल के होते हैं या मेंबर होते हैं या चेयरमैन होते हैं वो सीनियर ऑफिसर होते हैं। एक प्रिवेंटिव ऑफिसर या एक इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर या एक सुप्रीम लेवल का ऑफिसर को सीनियर ऑफिसर बोलते थे। खैर ये इनका अपना वो है। अब आगे क्या लिख रहा है देखिए किस तरीके से लिख रहा है। ये धर्मेश ठक्कर साहब लिख रहे हैं द कस्टम वॉज आइडेंटिफाइड एज मयंक सिंह। द कस्टम ऑफिसर लिखना चाहिए ना, लेकिन नहीं, कस्टम ऑफिसर की जगह ये कस्टम लिख रहे हैं। अ सुसाइड नोट लेफ्ट बाय द डिसीज रिपोर्टली ब्लेम्ड हिज सीनियर आईआर ऑफिसर एंड थ्री इंपोर्टर फॉर हैरेसमेंट करके लिख रहे हैं। धर्मेश ठक्कर मुझे जानता है, मैं क्या बताऊं किस तरीके से लिख रहा है। अब यहां लिख रहे हैं अ कस्टम सुप्रीमेंट एलिजिबली कमिटेड सुसाइड ऑन अगस्त 25, आज क्या है 26 है, बाय जंपिंग इन अ पॉन्ड नियर तलोजा जेल इन खारगन। द बॉडी वाज नोटिस फ्लोटिंग बाय रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया एंड अकॉर्डिंगली पुलिस वाज इन्फॉर्म। कस्टम ऑफिसर वाज आइडेंटिफाइड एज मयंक सिंह। Later, he was booked by Central Bureau of Investigation for pre-import consignment without custom levies last week. CBI has booked Singh, the then superintendent bond section, Jawaharlal Nehru Custom House, Raigarh, and other, including two private companies based at Goregaon, Thane, and unknown others. Joint supply check was earlier conducted in the bond section JNCH, Raigarh by CBI, along with the officers of JNCH. It was alleged that redemption fine penalty of ₹9,53,000 and ₹4,93,000 penalty respectively were imposed against two bills of entry pertaining to said private companies, and the goods covered under these two bills were kept on hold by custom intelligence agencies. It was further alleged that both the private companies entered into conspiracy with the said supreme bond section agencies and other
by paying undue advantage and managed to get delivery of the goods covered under. मेरे पास में FIR भी है, लेकिन मैं FIR को दिखाना नहीं चाहता, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता. मैं सिर्फ यह बोलना चाहता हूँ कि ये केस था. अब आपको कहानी सुनाता हूँ कि वो ऑफिसर कौन है जिसका नाम इस केस में आ रहा है. जो उसने लिखा है अपने सुसाइड नोट में, उसमें उसने लिखा है कि कोई एडिशनल कमिश्नर वहां पे सुरेश मेराबू है, उसकी वजह से हुआ है ये तमाशा. खैर, जो होना था वो हो गया. मैन सिंह आए थे डिपार्टमेंट में नौकरी करने के लिए और चले गए डिपार्टमेंट के वजह से. मैंने हेडिंग दिया है डिपार्टमेंट में कि करप्शन एनगल्फ्स वन मोर लाइफ इन कस्टम्स. दोस्तों, मैंने 25 साल करीब नौकरी की है और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि ये डिपार्टमेंट किसी भी तरीके से जो ईमानदार लोग हैं उनके लिए है ही नहीं. अगर आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं और आप करप्ट नहीं है तो आपको करप्ट बनाया जाता है. जब आप करप्ट बन जाते हैं उसके बाद में आपको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा जो कायनात है आपके पीछे लग जाती है. यहाँ पर होता क्या है कि जो सिस्टम है वो ऐसा है कि जो फ्रंट लाइन में होता है, जो प्यादा होता है, वही लड़ाई लड़ता वही मरता है. ये हो रहा है. इससे पहले भी करप्शन केसेस में कई लोग फंसे, सीबीआई के चक्कर में फंसे, डीआरआई के चक्कर में. किसी ने ट्रेन के सामने कूद करके जान दी, किसी ने किसी और तरीके से जान दी, ऐसा चलता रहता. लेकिन यह है उनका जो करप्शन के साथ में लिप्त रहते हैं और जब सीबीआई या डीआरआई के फंदे में फंस जाते हैं. लेकिन जो करप्ट नहीं होते हैं उनको भी डिपार्टमेंट करप्ट बनाने की कोशिश करता है, अगर ज्यादा होशियारी करते हैं तो उनको डिपार्टमेंट अलग तरीके से रगड़ता है. मैंने आपको कई बार बताया स्टोरी, उसको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने 2000 में एसआईएबी एक्सपोर्ट ज्वाइन किया और वहां पर मेरे को ऊपर एक केस इन्वेस्टिगेट करने का जिम्मा दिया गया, जिसको पहले दूसरे लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे. क्योंकि वो केस बहुत हाई प्रोफाइल था तो सारे के सारे जितने भी ऑफिसर थे वो लोग उससे सर करना चाह रहे थे. हम वहां पर बचे और मैं वहां पर 2003 के सितंबर तक था. 2000 जनवरी में मैं गया था, 2003 के सितंबर तक था. सोचिए 2000 पूरा, 2001 पूरा, 2002 पूरा, 3 साल. उसके बाद में 3 साल और 9 महीने के बाद में मैं वहां से निकला. वहां से निकलने के बाद में मुझे आयल में डाला. आयल यूनिट में डालने के बाद में फिर वहां से मैं विजिलेंस डिपार्टमेंट में गया. वहां पर मेरे को सूरत के रिपेट केस का इन्वेस्टिगेशन दिया गया और जब सूरत के रिपेट केस को मैंने ढंग से, जो डिपार्टमेंट चाहता था कि करप्ट को छोड़ दो और बाकी जितने भी स्केप गोट हैं उनको रगड़ दो या उनको परेशान करो, जब वो तैयार नहीं हुआ तो विजिलेंस डिपार्टमेंट सीनियर ऑफिसर्स ने एडिशनल कमिश्नर और एडिशनल डायरेक्टर जनरल और जितने भी वहां के बेवकूफ थे ऑफिसर लोग, जिनको उनका प्रोटेक्शन मालूम था, जो उनका चमचागिरी करते थे, उन लोगों ने मेरे खिलाफ एक कंप्लेन इंजीनियर किया और उस चक्कर में मेरे को फिर अंडर क्लाउड कर दिया. अंडर क्लाउड करने के बाद में मुझे डिपार्टमेंट से मजबूर होकर के निकलना पड़ा 2010 में और चार्जशीट के साथ में, और अभी तक मुझे पेंशन नहीं मिली. तो ये तो डिपार्टमेंट की हालत है. अब रही बात की डिपार्टमेंट में इन करप्ट लोगों के खिलाफ लगाम कैसे लगाई जाए. 25 साल तो मैं डिपार्टमेंट में रह चुका हूं, मैंने देखा है कि जो करप्ट ऑफिसर्स होते हैं, जो कुछ नहीं होता है और बंबई में आते हैं, उसके बाद में बरसोवा, अंधेरी, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, 7 बंगलोज, 5 बंगलोज, नेरुल, अंधेरी और इधर मलाड या बोरीवली फॉर दैट मैटर, थाना
नई मुंबई वासी मेरुल बेलापुर खालकर में जो घर लेकर के बैठ जाते हैं और जो गाड़ियों में चलते हैं चलना शुरू कर देते हैं और जिनकी शादी इसी बेसिस पर होती है कि हाँ ठीक है छोकरा तो बंबई में गया है बहुत ऊपरी कमाई कर रहा होगा इस चक्कर में होती है और जिनकी बीबियां जो है वो हमेशा किटी पार्टीज में और ब्यूटी पार्लर में पड़ी रहती हैं उनको तो कुछ नहीं होता है क्योंकि वो लोग पूरा का पूरा जो अपना पैसा है वो ऊपर पहुंचाते रहते हैं और सर्वाइव करते रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब कुछ गड़बड़ होती है तो नीचे वाला ऑफिसर को मार दिया जाता है। ये समाचार आपको बताना था कि उस ऑफिसर ने जिसके ऊपर ट्यूजडे को सीबीआई उसने वेंसडे को या थर्सडे को अपनी जान दे दी है और इस तरीके से एक ऑफिसर करप्शन की भेंट चढ़ गया। आपका क्या व्यू है इस बारे में आप अपना कमेंट करिए और बताइए। वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए शेयर करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद।